नमस्कार दोस्तों, गेम ट्यूटोरियल का ये तीसरा वीडियो है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको कहाँ तक अभी तक हम लोग किए थे। ये था, हमने पेंडल बना दिया था और ये बॉल जो है हर एंगल पे टच हो रहा है, ठीक है। अब हमारा दूसरा, इसके बाद क्या है, इसके बाद हमको इस पेंडल को माउस के अकॉर्डिंग अप एंड डाउन करना है, ठीक है, और ये कंप्यूटर के अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक माउस इवेंट यूज करेंगे। तो फंक्शन हम कर रहे हैं, यहाँ कमेंट देते हैं हम लोग माउस काउंट, ठीक है, एंड एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन नेम देते हैं माउस काउंट, ठीक है। माउस काउंट के फंक्शन नेम दिए क्योंकि इसमें माउस की एक्स एंड वाई की वैल्यू काउंट होगी। जैसे कि यहाँ पे माउस है तो यहाँ पे भी एक्स और वाई की वैल्यू होगी इस ग्राफ के अकॉर्डिंग, आगे हम समझाते हैं। लेकिन ये इवेंट है, ठीक है, इवेंट, ईवीटी भी लिख सकते हैं। तो ये इवेंट जो है इसमें क्या होता है, ये फंक्शन बाय डिफॉल्ट जावा स्क्रिप्टिंग में है कि एक हम वेरिएबल लेते हैं माउस एक्स इक्वल टू क्लाइंट इवेंट, सॉरी इवेंट डॉट क्लाइंट एक्स। तो अब क्या हुआ, जो हमने क्लाइंट एक्स डाला तो माउस एक्स में, ये जो वेरिएबल हम माउस एक्स लिए हैं, इसके अंदर माउस एक्स की वैल्यू पुट हो जाएगी, आगे देखते हैं हम लोग। इसी प्रकार माउस वाई इक्वल टू क्लाइंट वाई एंड रिटर्न, रिटर्न हमने रिटर्न क्या करा रहे हैं, ठीक है, हम यहां पे रिटर्न करा रहे हैं एक्स इज इक्वल टू, ये रिटर्न करने का एक, आप लोग अगर जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे या कोई भी लैंग्वेज पढ़ेंगे इसमें बताएंगे माउस एक्स, यानी ये जो हम रिटर्न करा रहे हैं माउस एक्स की वैल्यू एक्स में के थ्रू रिटर्न करा रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। आप डायरेक्ट ऐसे भी रिटर्न करा सकते हैं माउस इस प्रकार से माउस एक्स कॉमा माउस वाई, ठीक है, इस प्रकार से भी हम लोग ये करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम इसको थोड़ा शॉर्ट करने के लिए हम यहां पे एक्स एंड वाई, यानी अगर हमको रिटर्न वैल्यू एक्स लिखेंगे तो उसके बराबर हमारा माउस एक्स होगा, और वाई लिखेंगे रिटर्न वैल्यू तो उसके बराबर माउस वाई होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए, अच्छा, हम यहाँ पे पेंडल जो बनाया है, ये पेंडल है राइट, ठीक है, ये पेंडल है, जो ये राइट का पेंडल है, ठीक है, और ये लेफ्ट का, ठीक है, सॉरी राइट हमारा ये है, लेफ्ट ये है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम ये जो है वाई है ना, तो हम पेंडल वाई वेरिएबल में लेंगे, ठीक है। हम एक काम करते हैं वेर पेंडल वाई, पेंडल वाई हम लेते हैं, इसको वेरिएबल में लेते हैं, और यही चीज हम यहां पेंडल वाई में रख देते हैं। पेंडल वाई सेम चीज रहेगा, कोई भी फर्क नहीं होगा। लेकिन अब क्या होगा कि अगर हमारा पेंडल वाई का वैल्यू चेंज होगा तो ये ऑटोमेटिकली ये नीचे देखिए आ रहा है ना। तो वेरिएबल लेने से हमारा यही फायदा है कि हम वेरिएबल के अकॉर्डिंग ये मूव हो सकता है। और वेरिएबल में हम क्या पुट करेंगे, वेरिएबल में अपना माउस की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग फिलहाल 100 रखते हैं। अब कहां तक हमारा था, हमने माउस एक्स एंड वाई की वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। वैसे हमको सिर्फ वाई की वैल्यू चाहिए क्योंकि ये सिर्फ डाउन जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा, ठीक है, ये सिर्फ y की तरफ से बढ़ेगा, ठीक है, x की तरफ से कोई ये बढ़ने के चांसेस नहीं है। तो हम सिर्फ y की वैल्यू चाहिए, लेकिन हमने x और y दोनों के लिए लिया है। इसके लिए अब यहां पे हम फंक्शन यूज करेंगे, बाय डिफॉल्ट जावा का है, जावा स्क्रिप्टिंग का, वो है हमारा एड इवेंट, हम एड इवेंट डिस्टेंस तो जरूर लिखेंगे, ये एक फंक्शन है एड, सॉरी
बताते हैं आपको, ऐड इवेंट, EVENT इवेंट लिसनर, देखिए ई इसमें बड़ा रहेगा और लिसनर भी बड़ा रहेगा, LISTENER लिसनर, ठीक है। ये एक फंक्शन है जिसमें हम यहां पे देते हैं ऑन क्लिक, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है, नहीं पढ़ा है तो आप एड इवेंट लिसनर के बारे में जान लीजिए। ये किसमें लगेगा, ये हमारा कैनवास में लगेगा, ठीक है, कैनवास, कैनवास डॉट एड इवेंट लिसनर, यानी कैनवास में एड इवेंट लिसनर लग रहा है, और वो है ऑन, नहीं माउस मूव, माउस मूव, माउस मूव, ठीक है, ये हमारा, और माउस मूव को हम लोग डबल कोटेशन रखेंगे, ठीक है। एंड इसके बाद यहां पे हम फंक्शन देते हैं, ठीक है, फंक्शन, इसको आप और भी तरीके से कर सकते हैं, फिलहाल हम यहां पे फंक्शन नेम देके हम कर रहे हैं, ज्यादा आप लोग कंफ्यूजन ना हो, दोनों तरीके से हम आपको बताते हैं कि एड इवेंट लिसनर में होता क्या। पहले हम आपको ये, यहां पे हम इवेंट देंगे कि माउस जब मूव हो तो फंक्शन वर्क करे, कौन सा फंक्शन, यहां पे फंक्शन नेम, ठीक है, यहां पे जो भी फंक्शन नेम रहेगा वो फंक्शन माउस मूव होने के बाद काम करेगा। तो हमने अभी कोई फंक्शन नेम अगर चाहे तो यहां पे एक फंक्शन बना के, फंक्शन बना के और उस फंक्शन का नेम दे देंगे, ठीक है, यहां पे, लेकिन हम डायरेक्ट यहां पे ही फंक्शन हम बना लेते हैं और वो देते हैं फंक्शन फंक्शन, ठीक है, हम डायरेक्ट यहां पे एक फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है, ओके, सो ये फंक्शन बना दिए। अब हमको फंक्शन में करना क्या है, फंक्शन में जो माई ये जो वाई है ना, वाई की वैल्यू अगर पैंडल वाई में हमारा पुट हो जाए, मेरा ये माउस में एक्स और वाई चल रहा है, ठीक है, यहां पे भी एक्स और वाई है, यहां पे भी एक्स वाई है माउस का, सपोज अगर माउस का जो भी वैल्यू वाई का है, ठीक है, मान लीजिए यहां पे माउस का वैल्यू है, यहां पे 100 है मान लीजिए, अगर यही माउस की वैल्यू 100 पैंडल वाई पे अगर पुट हो तो क्या होगा, इससे ये फायदा होगा कि फिर ये भी इसके अकॉर्डिंग चलने लगेगा, जैसे जैसे माउस मूव होगा वैसे वैसे ये भी मूव होने लगेगा। इसके लिए हमको क्या करना होगा, यहां पे देना होगा पैंडल पैंडल वाई, अच्छा पीस में हमारा ऐसे है पैंडल वाई, ठीक है, वाई इक्वल टू, ठीक है, पैंडल वाई इक्वल टू हम क्या देते हैं, अच्छा यहां पे इवेंट लिखेंगे, क्योंकि हम इसलिए इवेंट लिखेंगे क्योंकि हम इवेंट को कॉल कराएंगे यहां पे, इसलिए हम इवेंट लिखेंगे। अच्छा उसका एक दूसरा भी तरीका है, हम आगे चल के बताएंगे, फिलहाल हम यहां पे इवेंट को कॉल कराएंगे, कौन सा इवेंट कॉल करा रहे हैं हम लोग, यहां पे करा रहे हैं माउस काउंट, माउस काउंट, ठीक है, माउस काउंट को हम लोग कॉल करा रहे हैं और ये है इवेंट, ठीक है, डॉट वाई, यानी ये जो वाई की वैल्यू है ये इसमें चला जाए, देखिए एक्स एंड वाई दो चीज हमारे पास है, दोनों में क्या है, इसमें यहां इस वाई में माउस वाई की वैल्यू पुट है, क्यों, क्योंकि हमने इवेंट क्लाइंट वाई दिया है जिसमें इस, जिससे ये माउस वाई में ये माउस वाई की वैल्यू पुट हो जा रही है और उससे हम सिर्फ और सिर्फ वाई में इस वैल्यू को पुट करके यहां पे इसका एंट्री दे रहे हैं। तो जरा देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है, वाओ ये मूव होने लगा, ओके, सो ये माउस के अकॉर्डिंग मूव होने लगा, ज्यादा कंफ्यूजन ना हो आप लोग को। अच्छा ये भी देख लीजिए, इसको अगर हम हटा देते हैं, सपोज हम इसको हटा देते हैं तो ये वर्क नहीं करेगा, लेकिन यहां पे आपको क्या देना होगा, यहां पे आपको देना होगा माउस वाई, आप ये लिख देंगे सिंपल से ये वर्क करने लगा। हम बस उस चीज को सिंपल करने के लिए एक्स इक्वल टू समझ लीजिए ये लिखा है और ये लिखा है वाई इक्वल टू, ओके, जो कि यहां पे वाई काम कर रहा है, ठीक है। अगर हम इसी चीज को एक्स में लगा देंगे तो ये हॉरिजेंटल एंड हॉरिजेंटल काम कर, ये सॉरी ये आपका
तो ये वर्टिकल काम करने लगता है, ठीक है, अगर हमने एक्स की वैल्यू अगर हम इसमें पुट कर देते। तो फिलहाल आपको यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसको सेव किए और आप देखिए इसको। अब जरा ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो माउस का कर्सर पॉइंट है यहां से ये सॉरी यहां पे एकदम है कर्सर पॉइंट के पास ये टॉप पे ये वर्क कर रहा है, लेकिन हमको क्या करना है, हमको तो करना है कि ये मिडिल में आ जाए, ठीक है। तो सिंपल सा है कि पेंडल हाइट कितना है, हमने पेंडल हाइट दिया है या नहीं, पेंडल हाइट 150 है ना, तो यहां पे हम लोग एक काम करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं पेंडल हाइट, HEIGHT पेंडल हाइट के लिए, ठीक है, और इस वेरिएबल को यहां पे वेर पेंडल हाइट इक्वल टू 150, सेम सेम चीज रहेगा, ठीक है। एंड अब हम यहां पे क्या करते हैं, यहां पे प्लस पेंडल हाइट अपॉन टू, सेव किए एंड देखिए क्या हो रहा है। ओ सॉरी सॉरी, क्या हो रहा है कि ये हमको यहां पे प्लस कर दिए ना, ये और ऊपर चला गया। यहां पे हमको माइनस करना होगा क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रहा है ना, क्योंकि ये देखिए इधर प्लस होता है इधर माइनस होता है, ठीक है। जैसे ग्राफ में आप ग्राफ में हमको शुरू में बताए होंगे कि किस साइड इधर प्लस प्लस एक्स माइनस एक्स माइनस सॉरी प्लस एक्स इधर की तरफ प्लस एक्स जाएगा, इधर की तरफ माइनस वाई जाएगा, इधर की तरफ माइनस एक्स जाएगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में और ऊपर की तरफ प्लस वाई जाएगा, तो ये नीचे की तरफ जाएगा वो माइनस की तरफ होगा, ठीक है। तो हमको यहां पे लिखना होगा माइनस, ये करते ही ये हमारा पेंडल मिडिल में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पेंडल मिडिल में आ गया, ओके माउस के, ठीक है। अब दूसरा स्टेप क्या है, हमारा ये हो गया माउस के अकॉर्डिंग ये मूव हो रहा है। अब दूसरा स्टेप ये है कि ये जो बॉल मूव हो रहा है वो अगर ये इस दीवार से टच हो तो वो रिसेट हो जाए, ठीक है, यानी वो गेम वापस स्टार्ट हो जाए, और इस पे टच हो तो ये वापस इसको दूसरे डायरेक्शन में दे। तो उसके लिए सिंपल सा हम एक रीसेट का फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। हम यहाँ पे हाँ यही बना देते हैं रीसेट का। देखिए हम इसीलिए कमेंट लिख रहे थे क्योंकि अब देखिए कोड बहुत लेंथी होते जा रहा है, ठीक है। रीसेट एंड फंक्शन फंक्शन रीसेट रीसेट का एक फंक्शन बनना है जिसमें सिंपल सा रीसेट करने के लिए क्या फार्मूला यूज करना है हमें कि इसकी वैल्यू हमको दे देना है यहां पे कि जब भी रीसेट हो तो ये वापस से ऐसे शुरू हो, ठीक है, ओके। लेकिन ये रीसेट होगा कैसे, ये रीसेट तब होगा, ठीक है, जब इसके वॉल से ये टच हो जाए, किसी भी वॉल से इधर या इधर एक्स या वाई। उसके लिए हमको यहां पे आना होगा इफ कंडीशन में जो हमने मूव एवरीवन को किया था, उसमें क्या हो रहा है इस चीज में हमको ये देखना है कि यदि इफ बॉल एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू कैनवास विथ, यानी बॉल एक्स की विथ अगर इससे ज्यादा हो जाए तो क्या हो कि अपोजिट डायरेक्शन में चला जाए ना, नहीं, अगर इससे ज्यादा हो तो ये रीसेट हो जाए। सॉरी एक मिनट, अब हमको यहां पे रीसेट फंक्शन को कॉल अगर हम करा दिए तो देखिए अब क्या होगा, ये इसके वॉल से टच हो किसमें हम यूज किए हैं, विथ में किए ना, बट वर्क नहीं कर रहा ये रीसेट, कहां गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, जरा देखते हैं हम लोग यहां से क्या प्रॉब्लम हुई भाई, ओके क्या है प्रॉब्लम,
एक मिनट, यहाँ पे हमने लिया x इक्वल टू 100, y इक्वल टू 100 एंड ये रीसेट भी हो रहा है, नहीं हो रहा है क्या, क्या कर दिया क्या, हाँ गड़बड़ हो सकता है। वेट, यहाँ पे हमको ये देखना होगा कि कॉन्सोल डॉट लॉग वर्क कर रहा है या नहीं, बॉल एक्स की वैल्यू क्या दे रहा है, यहाँ पे हमको ये देखना होगा। एक्स की वैल्यू कहीं और लिखा है क्या, अच्छा इसको हम अगर बंद करते हैं आप देखें, कुछ नहीं दे रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। कॉन्सोल वन टच एंड 800 आ तो रहा है, पर 800 के अलावा ये चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि कुछ प्रॉब्लम है, हम देखते हैं। ओ सेट, हमने यहाँ वेरिएबल, ये वेरिएबल लिखेंगे तो ऑलरेडी हमने एक वेरिएबल ले लिया है, दोबारा वेरिएबल लिखेंगे तो प्रॉब्लम करेगा ही। सेट अब ये काम करेगा, ओके ये यहाँ टच होते ही 800 हुआ, ये वापस 100 से शुरू हुआ, ओके ये जब भी इसमें टच होगा इस साइड ये वापस रीसेट हो जाएगा, रीसेट होके कहाँ शुरू होगा, ये 100 by 100 x 100 हो जाएगा एंड y 100 हो जाएगा, यानी बॉल की x की वैल्यू एंड y की वैल्यू 100 100 वापस हो जाएगी। अब इसी प्रकार, अच्छा ये कॉन्सोल अभी हम हटा देते ना, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं नाउ। अब हमारा इसी तरह ये होगा, ठीक है रीसेट, अगर इधर या उधर कहीं भी टच हो तो हमारा बॉल रीसेट हो, ठीक है तो ये चलता रहेगा। अब क्या करना है कि अगर इससे टच हो, इस वाले पैंडल से, तो ये वापस निगेटिव की तरफ जाए, उसके लिए हम इसके अंदर करेंगे, ठीक है यहां पे हम क्या करेंगे, ये हमारा ये है विंडोज ऑनलोड फंक्शन, यहां पे हम कैनवास डॉट क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्या है एग्जैक्टली, हमको ये लगाना होगा कि जब भी इससे टच हो ना, तो ये तो इसमें कैनवास डॉट कुछ नहीं लगाना है, इसको इसमें हम लोग कुछ नहीं वर्क करेंगे, हम लोग डायरेक्ट यहीं वर्क करेंगे, ठीक है और ये वर्क होगा हमारा रीसेट का, ठीक है तो अभी रीसेट हम यहां पे हटाते हैं, इफ कंडीशन के ही अंदर हम एक और इफ कंडीशन लगाएंगे, यदि क्या हो तो हमारा ये हो, ठीक है सॉरी क्या हो तो हमारा ये हो, इल्स अगर क्या ना हो तो हमारा रीसेट रीसेट बटन वर्क करे। तो इफ में क्या हो जिससे ये वापस पीछे की तरफ जाए टच होने के बाद, ठीक है वो तब जब बॉल वाई, ठीक है जो बॉल वाई है यानी बॉल वाई की वैल्यू जब बड़ी हो, ठीक है वेट बॉल वाई एक्चुअल में हमको क्या करना है कि हमको इस वाले पैंडल पे तो वर्क करना नहीं है क्योंकि ये तो कंप्यूटर हमारा चलता रहेगा ऑटोमेटिकली, तो इसके लिए हम यहाँ पे नहीं लिखते हैं इफिल्स इसमें, और ये रिसेट भी हटा देते हैं, ठीक है ये रिसेट अभी हटा देते हैं हम लोग फिलहाल, ये हमारा ये है ना, अब इसको सेव करते हैं। कुछ तो प्रॉब्लम आया, देखते हैं ये इसका है तो ये किसका है, क्या प्रॉब्लम आया देखना पड़ेगा। ओके ये था हमारा सेपरेट इसका ना, ये यहाँ से पूरा बंद होगा और ये पूरा ये जाएगा, अब सही है ये यहाँ पे टच होगा और इधर अगर टच होगा कहीं तो ये वापस शुरू हो जाएगा, ठीक है तो इधर सिस्टम खेलने के लिए हमको सिंपल सा अभी हम ऐसा तैयार कर रहे हैं कि जिसमें
कंप्यूटर कभी हारे ना, ठीक है। उसके लिए हमको सिंपल सा ये जो पेंडल हमारा, जो ये वाला पेंडल है, इसका जो वाई वैल्यू है, ठीक है, इसमें हमारा पेंडल वाई की वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो आप क्या होगा कि नहीं, पेंडल वाई की हमने यूज कर दिया क्या? तो ठीक तो किया हमने, नहीं नहीं पेंडल वाई नहीं, यहां पे हमने यूज करेंगे बॉल, बॉल वाई की वैल्यू। तो ये क्या होगा, बॉल जिधर जिधर जाएगा, बॉल की वाई की जो वैल्यू होगी वो ऑटोमेटिकली उससे उसके बराबर होगी। लेकिन क्या हो रहा है कि अब ये ध्यान दीजिएगा, यहां पे जब जा रहा है तो इसके यहां पे एकदम कॉर्नर में आके टच हो रहा है। उसके लिए आपको माइनस 50 कर दीजिए, ठीक है, पेंडल की हाइट। अब ये देखिए बीचों बीच, क्योंकि 150 का है तो आप डायरेक्ट यहां माइनस पेंडल हाइट अपॉन 2 भी कर देंगे ना, तो ये बीच में आएगा। ये हमेशा बीच में टच होगा, क्यों? क्योंकि बॉल वाई की वैल्यू हमेशा चेंज हो रहा है, और जब बॉल वाई की वैल्यू चेंज हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग ये भी, यहां पे हमने बॉल वाई की वैल्यू दिया है तो ये ऑटोमेटिकली वो जहां पे भी यहां पे अगर आएगा तो ये मिडिल में आके इसके टच होके वापस चला जाएगा, ठीक है। तो इसका अब हमको कोई इधर से हमको कुछ चेंज नहीं करना, हमको अभी फिलहाल इधर से चेंज करना है। कहां पे हमको चेंज करना है? इफ बॉल इज लेस देन इक्वल टू जीरो, अगर ऐसा हो तो रिसेट हो जाए। कब रिसेट हो और कब ये हो, रिटर्न हो, इसके लिए हमको रिसेट हटाना होगा। अभी रिसेट को हम कट कर लेते हैं। इफ यदि क्या हो जिससे कि हमारा बॉल रिटर्न हो जाए, और इल्स अगर ये ना हो तो बॉल रिसेट हो जाए। रिटर्न के लिए क्या होना चाहिए? बॉल वाई इज ग्रेटर देन पेंडल वाई। अच्छा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, अभी हम इसको समझाते हैं। एंड बॉल वाई इज ग्रेटर देन लेस देन वाई इज लेस देन पेंडल वाई प्लस पेंडल। अच्छा, एक चीज हमने गड़बड़ किया, पेंडल ये शायद स्मॉल में या कैपिटल में, ये ध्यान देना होगा, ये कैपिटल में, ठीक है। तो ये चीज हमको भूलना नहीं चाहिए कि ये पेंडल वाई, ये देखिए है ना, पेंडल वाई एंड पेंडल वाई वाई प्लस प्लस पेंडल हाइट, ठीक है। अब देखिए आप जरा, यहां पे टच हुआ और ये इधर टच होते ये वापस शुरू हो जा रहा है, लेकिन ये जहां इसमें इस वाले पेंडल में टच हो रहा है ये रिटर्न हो जा रहा है। ये देखिए रिटर्न हुआ। अब ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, हम इसमें टच नहीं कराते ना, ये वापस शुरू हो जा रहा है और एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। उसके लिए हम लोग अलग सभी उसके लिए हम लोग करेंगे। फिलहाल ये समझ में आया ये कैसे हो रहा है, जो बॉल वाई की वैल्यू हो, यानी सपोज जब यहां पे बॉल जा रहा है, यहां पे कहीं पे भी इसकी बॉल की वैल्यू होगी, तो जब जो भी वाई की वैल्यू है वो पेंडल वाई की वैल्यू से बड़ा हो, यानी सपोज कि यहां पे मेरा पेंडल वाई है इसके वैल्यू से बड़ा हो। इसको समझाने के लिए हम आपको ग्राफ में समझाते थोड़ा, ठीक है। इसको हम अभी पॉज कर देते हैं, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि पेंडल वाई की वैल्यू, वेट, इसके लिए हम आपको एक ग्राफ सिस्टम से इसको समझाने की कोशिश करते ना। तो हम आपका ग्राफ के लिए हमारे सामने ये है, ठीक है, जरा हम इसको देखते हैं, ठीक है। सपोज क्या है कि ये मेरा 0-0 है, ठीक है, ये हमारा 0-0 है, जहां पे ये कॉर्नर है, ठीक है, ये कॉर्नर हमारा यहां पे है, ठीक है, हम मानते हैं, ठीक है। और यहां -2 से लेके -4 तक हमारा एक पेंडल है, ठीक है, यहां से यहां तक लेके पेंडल है। तो
क्या हमने यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे कोड में हम जरा देखते हैं, ये कोड में हमने क्या लिखा है कि बॉल वाई इज ग्रेटर देन पेंडल वाई जब, एक मिनट इसको हम कट करते हैं, यहां पेंडल है, मान लीजिए बॉल बॉल यहां से होते हुए आ रहा है, ठीक है। हमने दिया है कि बॉल वाई, यानी बॉल वाई की वैल्यू क्या है, माइनस टू, ठीक है। मान लीजिए ऐसे बॉल आ रही है तो यहां पे आएगी तो माइनस टू रहेगी। इज ग्रेटर देन पेंडल वाई, यानी पेंडल वाई की वैल्यू माइनस टू से लेके माइनस फोर तक है, तो इससे बड़ा हो, यानी माइनस टू से बड़ा हो, ठीक है। ये तो डन हो गया, किससे बड़ा हो, और ठीक है, यानी जब इससे बड़ा होगा तो ऑटोमेटिक ये बाहर जाएगा, और उसके साथ में क्या हो, पेंडल वाई की वैल्यू, पेंडल वाई प्लस पेंडल हाइट, हाइट कितनी थी, ये वाई है, ठीक है, माइनस वाई सपोज, और इसमें प्लस हाइट, हाइट कितनी है हमारी, पेंडल हाइट 150, यानी कि दो में 150 और जुड़ जाए उसके बीच में जब भी लगे, यानी कि इसका सीधा सीधा मतलब है कि यहां से लेके इस फर्स्ट वाले पेंडल से लेके, इसमें हम समझाते हैं कि पेंडल माइनस दो से माइनस चार के बीच में अगर है, तो ये बोल रहा है कि अगर बॉल बॉल की वाई की वैल्यू माइनस दो से बड़ा हो और माइनस चार से छोटा हो, उसके बीच में अगर टच होगा तो बॉल रिटर्न हो जाएगा। आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोशिश तो हम यही किए हैं कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है, और ज्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी भी है, ठीक है। आप इसको एक बार ध्यान से समझेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि बॉल वाई इज ग्रेटर देन पेंडल वाई एंड बॉल वाई इज लेस देन पेंडल वाई प्लस हाइट। तो ये हमारा वर्क करने लगा, ये हमारा सिस्टम खेल रहा है और ये हम खेल रहे हैं, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम इसमें ये आ जा रही है कि जब ये रिसेट हो रहा है तो एक ही डायरेक्शन में ये जा रहा है। इसके लिए यहाँ पे हम सीधे सीधे देंगे, रीसेट में ही हम दे देते हैं कि जब ये रीसेट हो तो बॉल वाई एक्स इज माइनस बॉल स्पीड वाई। इससे क्या होगा कि डायरेक्शन हमेशा वाई की तरफ, जब ये रीसेट होगा तो ये वाई की तरफ हो जाएगा, और वाई के आते ये जब ये रीसेट होगा वाई की तरफ जाएगा, और वाई की तरफ जाएगा तो इसका मतलब इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब ये देखिए यहां शुरू हुआ, वाई की तरफ नहीं जा रहा है, माइनस इज एक्स इज इक्वल टू, हमने क्या लिखा है, ये वाई लिख दिया है यार, हमको यहाँ पे एक्स लिखना है ना, ठीक है, ये माइनस की तरफ हो जाए, ये यहाँ पे टच होगा और ये वापस माइनस की तरफ से वर्क करने लगेगा, ये देखिए, ठीक है, डन। यहां तक हमारा गेम तैयार हुआ, ठीक है। अब हमको तैयार क्या करना है, अब हमको तैयार करना है ये बटन्स, प्ले पॉज एंड लेवल वन लेवल टू लेवल थ्री, ठीक है। तो ये बटन्स हम तो नेक्स्ट वीडियो में तैयार करेंगे, पर हम ये काउंटिंग हम अभी इसी वीडियो में तैयार करेंगे। तो काउंटिंग में हम क्या तैयार कर रहे हैं, ठीक है, काउंटिंग में हम तैयार करेंगे कि ये थ्री टाइम्स, हाँ ये है ना, ये थ्री टाइम्स जब भी ये हमारा हो यहाँ पे लिखा जाए, और वो लिखने के बाद थ्री टाइम्स बाद गेम ओवर हो जाए, ठीक है। उसके लिए सिंपल सा हम एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, फंक्शन गेम ओवर, गेम का ही बनाते हैं, ओवर का बना, गेम ओवर फंक्शन बना दिया हमने, एंड इसमें उससे पहले हमको यहां पे ओके काम करते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में ही आपको इसको भी बताते हैं, क्योंकि ये टेक्स्ट से रिलेटेड हो जाएगा, क्योंकि देखिए क्या हो रहा है यहां पे कि ये जो है टेक्स्ट है, ठीक है, ये भी टेक्स्ट है, तो अगर हम साथ में बताएंगे तो आपको टेक्स्ट के साथ ही बता देते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये सारा क्लियर कर देंगे कि टेक्स्ट के साथ कैसे हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसमें सारा ये नेक्स्ट वीडियो जो भी होगा हमारा लास्ट वीडियो होगा, तो इस वीडियो में आपको कोई भी कंफ्यूजन अगर हो तो आप हमसे जरूर पूछें, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।